आरंभ कीजिए। शिवर, मैं हृदय से आपसे क्षमा मांगता। नहीं, क्षमा मांगने का कोई कारण नहीं है। हम ही भयभीत थे, इसलिए छिपते छिपाते चल रहे थे। वैसे ऋषियों को भय शोभा नहीं देता, किंतु जब बलवान के हाथों अत्याचार मिले तो भय ही निर्बल मनुष्य का स्वभाव बन जाता है। ऋषियों पर कौन अत्याचार करता है इस प्रदेश में? ये तो बहुत बड़ा पाप है। पांचाल का राजा द्रुपद, उसका कोई दोष नहीं। क्रोध और लालसा जब मनुष्य के हृदय में बैठते हैं, तब धर्म को सबसे पहले हृदय से निकालते हैं। वो अपने अपमान में लग रहा है। द्रोण का मस्तक काट सके ऐसा पुत्र प्राप्त करना चाहता है। और महाराज पांडु के पुत्रों को भी पराजित करने की इच्छा रखता है। पांच पांडवों को पराजित करने के लिए एक पुत्र मिला सब पुत्र। हम तो ऐसा यज्ञ करने में असमर्थ थे, किंतु महर्षि याज और महर्षि उपयाज ने हमारा रक्षण किया। उन्होंने अपना सारा पुण्य देकर ईश्वर से एक पुत्र मांगा है द्रुपद के लिए। इस समय ऐसा ही यज्ञ चल रहा होगा कांपिल्य नगर में। परंतु ऐसा यज्ञ आपने क्यों नहीं किया ऋषिवर? महर्षि याज और उपयाज जितना पुण्य नहीं है हमारे पास, हम वो पुत्र नहीं दे पाते द्रुपद को, जो उसके भाग्य में है ही नहीं। उनके भाग्य में तो केवल एक पुत्री है। तात्पर्य? महर्षि उपयाज ने कहा था वो पुत्री केवल पांचाल का ही नहीं,
समग्र आर्यवर्त का भाग्य बदल देगी।